हे गाइस, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप हम सबो आप सब की पर कृपा बनाए रखे। तो आज भाई शैल पुत्री का दिन है, कलश स्थापन का दिन है। तो अब देखिए मैं कलश स्थापित करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं कपड़ा बिछा दी हूँ और ये चावल रख दी हूँ। 5 मुट्ठी चावल आप हाथ से रख दो और इसी से अष्टदल बना दें। अष्टदल देखिए हो गया ना, ये हो गया आपका अष्टदल। ये मैं कलश स्थापित करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले स्वस्तिक्स ओम और जितना हो सके बिंदी आप माता जी का लगा दीजिए, देखने में अच्छा लगे। और नेक्स्ट आप इस पे 9 बार, एक दो बार नहीं 9 बार इसमें कलावा लपेट दीजिए कलश में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गाइस देखिए सारे पत्तों में मैं टीका चंदन जो होता है सब लगा दी हूँ। ये देख सकते हैं आप, खूब अच्छे से आप लगा दे, एकदम कलरफुल कर दे पत्ते को। इसे मैं साइड कर देती हूँ और ये लोटे में भी मैं पूरे से बना के 9 बार लगा दी हूँ कलावा। और इसमें मैं गंगा जल पहले डाल देती हूँ। मैं मिट्टी का नहीं ली हूँ क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत है। तो मिट्टी का आप लेते हो जब कलश, तो वो सारा पानी को सोख लेता है। 9 दिन होते होते, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 9 बार होते होते वो पानी को सोख लेता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर अष्टदल जो मैं बनाई हूँ चावल से, देखिए, और इसी पर इसे भी मैं सजा देती हूँ, अच्छा लगे देखने में। भाई माँ आ रही है और देखिए इसको मैं इस पर रख दी हूँ। तो गाइस ये देखिए इसमें मैं कलश में दूब घास डाल दी हूँ। मैं हमेशा 6 सिक्का डालती हूँ, 6 सिक्का डाल दी हूँ क्योंकि लक्ष्मी का प्रिय होता है 6 नंबर भाई। तो मैं 6 डालती हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें लौंग इलायची सारे कुछ सारे मैं केवल लेके बैठ गई हूँ भाई। और ये ढक्कन इस पात्र में भी मैं चावल भर दी हूँ, 9 बार मैं डालती हूँ, 9 बार कलावा भी बांध दी हूँ, 9 बार चावल भी बांध दी हूँ। लाल फूल डाल दी थी सप्त जल। तो गाइस ये देखिए इसमें मैं जौ को डाल दी हूँ, सूखे मिट्टी में आप डालें और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और इसके ऊपर आप कलश को रख दें। और नेक्स्ट इसमें कसैली डाल दी हूँ, फूल डाली हूँ, लौंग डाली हूँ, इलायची डाली हूँ, थोड़ा सा अच्छत मैं इसमें भी डाल दी हूँ। और नेक्स्ट में सफेद फूल डाल दी हूँ और ये आम का पल्लो ऊपर से डाल दी हूँ। इस चुंदरी लाइट और इसका मुंह को अपने तरफ रखना है ना।
नहीं, इसको कलावा से बांध देते हैं। कलावा और इसे मैं कलावा से कलश को देखिए बांध देती हूँ। तो दोस्तों आज 12:30 बजे से सूप पहर था, इसमें भी मैं 9 बार बांध देती हूँ। माँ के आगे चावल के ऊपर रख के इस पर इसे रख देती हूँ। तो ये हमारा कलश स्थापन हो जाता है और अब मैं मैया की पूजा कर लूँ। दीपक पहले जला लेती हूँ और माँ से विनती करती हूँ कि भाई अब आ जाइए, आप हमारे घर में 9 दिन के लिए विराजमान हो जाइए। आपकी चौकी लग रही है, सज रही है। श्रृंगार कर देते हैं। तो भाई आज शैल पुत्री का दिन है, ये हिमालय की पुत्री हुई थी और यही सती बनी थी, तो इसीलिए इनका नाम शैल पुत्री है। तो सारे मंदिर के सिंदूर लगा के अपने मंदिर बना लेती हूँ, रानी हुई हूँ मांग को। रानी आप मेरे घर में आके विराजमान हो जाइए, आपको आह्वान कर रहे हैं आने का, निमंत्रण भेज रहे हैं, आओ माँ मेरे घर में विराजमान हो जाओ। तो सारे माँ के ये 9 माँ ही हमारे घर में है। फोटो में ही मैं लगा दी हूँ, चंदन टीका सारा कुछ। कुछ ये देखिए अपने हाथ में भी लगा के, इससे आपका भी सुहाग बढ़ता है। चूड़ी में और सारे में लगा के सब चूड़ी में लगा ली माला। पहले चुंदरी चढ़ाएंगे ना, छोटा ही चुंदरी लिए तो बड़ा बड़ा हो जाता है तो मिलते ना, और ये चुंदरी इनको दे देते हैं। बहुत सुंदर चुंदरी है, तो कर लो नाप ले आ जाए, छोड़ दो बाद में देखा चल जाए, ठीक है। बस आठ मिनट आता है और बीच में तो ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। और फिर अच्छा बढ़िया से आपको चढ़ा देती हूँ। सारा श्रृंगार का सामान मैं इनको दे रही हूँ। चूड़ी में चढ़ा दी हूँ, आलता जरूर चढ़ाती हूँ, एक सिंदूर और पान का पत्ता। और देखिए पान का पत्ता लगा दी हूँ। एक ही बार चढ़ा देती हूँ, हर दिन एक एक पत्ता फिर से चढ़ाते चली जाती हूँ। और सारे में देखिए सिंदूर
और ये रोड़ी सब लगा दी हूँ, पत्तों सब में भी अच्छे से। ये देखिए माँ के आगे में सब रखा गया है। एक बिंदी मैं अपने लिए भी चढ़ा देती हूँ, एक सिंदूर भी। माँ का ऐनक सब कुछ चढ़ चुका, मैं इसे साइड कर देती हूँ। ये लाइट जला दीजिए। क्या वो फूल है इसमें? नौ फूल है ना, एक दो तीन चार। देखिए माँ मेरी कितनी, माँ तो सुंदर है ही, इनके रूप का कहना ही क्या है। और देखिए लाइट पड़ने लगा तो और माँ का मुख जो है दैदीप्यमान हो रहा है। सारे फूल को मैं चढ़ा दी, नौ फूल, नौ पान का पत्ता, और सभी पत्तों पर मैं एक एक लौंग, एक एक इलायची, एक एक सुपारी डाल दे रही हूँ। और चलो कसैली साथे को खाना लौ रखते हैं। लाए कसैली तो बहुत सब है। ड्राई फ्रूट्स बनाए थे बहुत सारा कटोरा वो अलग है। कलश पर भी तो लगा के देते हैं, अंदर लगा दिए हैं ऐसे चावल। कलश पर भी माँ पर भी चावल डाल के दिए थे और सारे कुछ डाल के होगा। तो वो नहीं रहता, गुलाब जल डाल दिए, सप्त जल डाल दिए, सब डाल दिया, शाद लगाएगा अपना। ये इसको जलाते हैं इधर, ये भी चढ़ता है ना। थोड़ा सा तो गाइस देखिए सारा कुछ, सारा माँ का श्रृंगार सब कुछ मैं चढ़ा दी हूँ, और इधर फल फूल पेड़ा सारा कुछ। और आज माँ का भोग जो होता है वो गाय का घी होता है, तो मैं घी एक कटोरी में डाल के रख देती हूँ। और ये इत्र भी मैं चढ़ा दी हूँ, और घी का दीपक जला के ये देखिए घंटी। देखिए ये मैं सरस मेला से खरीद के लाई थी, और माँ का आह्वान कर रही हूँ, माँ आप मेरे घर में आके नौ दिन विराजमान हो जाएंगे, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। उसे तो ये सदा मेरे साथ रहती है। तो दीपक भी हमारा जल गया है, धूप भी मैं जला देती हूँ। और ये
ये देखिए मैं मीशो से मंगवाई थी, बहुत अच्छा घी के साथ बाती है। आप इसे कपूर में ऐसे रख दे, अभी मैं इसे जलाऊंगी, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगी, चलो अब पूजा के दिन ही कर दूंगी। देखिए बहुत अच्छा है आप, और ये बहुत सारा इसमें पीसेज है, देखिए इतना अच्छा बना हुआ है, आप इसे जरूर मंगा लीजिएगा। अभी तो बहुत सारे तीज त्योहार, छठ, दिवाली, सारा कुछ आ रहा है, आप देख सकते हो। देखिए ऐसा ऐसा मैं दो डब्बा बाय वन गेट वन चल रहा था, ऑफर में था, तो मैं इसे मंगा के पूजा पाठ के लिए रख ली हूँ, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मंगवा के जलाइएगा। जितना देर करेंगे इसी से, दिया से दिया नहीं जलाना चाहिए ना। देखिए गाइस आप देख सकते हो, दिया जलाने के बाद हाथ आप जरूर धोए, हाथ आपका जूठा हो जाता है। सब कुछ मैं जला ली हूँ, ये दिया मैं अपने मंदिर में भी, हमारे बहुत सारे भगवान जी हैं, के नीचे चावल जरूर रखो, और अब माता पिता का पूजा कर लेती हूँ। सर्वमंग नमो देवे महादेवी शिवा शक्तन नमो प्रकृति भद्राय नियताम परिणताम शमताम या देवी सर्वभूतेषु सहस्रपुत्र नमो नमः नमस्तुते नमस्तुस्तुते नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो गाइस ये देखिए सारा पूजा मैं भूख का भी कर ली हूँ, और पंचमी वा सारा पाचन का, काजू, बादाम, मखाना, किशमिश और ये अंजीर सारा मैं ऐसे ही मंगाती हूँ, वो पैकेट वाला अच्छा नहीं होता है, और मैं माँ के आगे चढ़ा देती हूँ बढ़िया से, इसे मैं आगे ही में डाल देती हूँ। तो सारा पूजा पाठ हो गया कंप्लीट पूरा, कलश स्थापन, मूर्ति रख, फोटो रख के सारा पूजा पाठ, सारा दिया हुआ सब हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ पाठ करने। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ करने के बाद, तब तक के लिए जय माता दी, साची दरबार की जय। हमारा पूजा कंप्लीट हो गया, मैं आरती कर रही कपूर से कर देते हैं, तो अगर कपूर बाकी की माल के तुम्हें राज होती रतना ज्योति जय अम्बे धोरी। बोलिए साचे दरबार की जय, सैल पुत्री माँ की जय, ब्रह्मचारिणी माँ की जय, चंद्र घंटा माँ की जय, स्कंद माता माँ की जय, कालरात्रि माँ की जय, सिद्धिदात्री माँ की जय, और महागौरी माँ की जय, कात्यानी माँ की जय, सभी देवी देवता की जय। तो पूजा हमारा संपन्न हो गया, और आज मैं घी का भोग लगाई थी, शैल पुत्री को घी का भोग लगता है, इससे आरोग्य बढ़ता है, और शैल पुत्री की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, कुल बढ़ता है, वृद्धि होती है, धन ऐश्वर्य सारे कुछ मिलता है। तो सभी भक्तजनों को इनकी पूजा करनी चाहिए। चलिए और फिर मिलते हैं फिर से साचे दरबार की जय। भगवान हम सब का कल्याण करे, साचे दरबार की जय। आपके बीच हो गया।